Hello friends, myself Mohit Taneja. Today we are going to continue our chapter number 6 of class 12 macroeconomics, and the name of chapter is banking, commercial bank and central bank. So let us start. Basically इस chapter के अंदर हम commercial banks की भूमिकाओं के बारे में पढ़ेंगे कि उनका role क्या होता है, central bank का role क्या होता है, कैसे क्रेडिट क्रिएट किया जाता है, वो कौन से फंक्शंस है जो कमर्शियल बैंक परफॉर्म करते हैं, वो सब चीजें हम इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. अवर वेरी फर्स्ट हेडिंग इज कमर्शियल बैंक. तो कमर्शियल बैंक जो आपको अपने चारों तरफ दिखाई दे जाएंगे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और भी वेरियस बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, तो ये सब क्या है, कमर्शियल बैंक है. तो कोई भी बैंक, कमर्शियल बैंक मेनली क्या काम करते हैं. कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, किस चीज का फंक्शन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट. सबसे पहले तो वो जनता से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, ये काम करता ही करता है हर कमर्शियल बैंक. ग्रांटिंग लोन, जिसको जरूरत है उसको लोन देंगे, क्योंकि जिससे डिपॉजिट लिया है उसको इंटरेस्ट भी तो देना है, तो वो अपनी जेब से तो नहीं देंगे, किसी को लोन देंगे उससे कमाएंगे और फिर किसको इंटरेस्ट दे देंगे, जिससे डिपॉजिट्स लिए थे. एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट भी करते हैं कमर्शियल बैंक, किस लिए करते हैं, ताकि वो मुनाफा कमा सकें. तो कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन, मेकिंग इन्वेस्टमेंट फॉर द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. अब प्रॉफिट अर्न कैसे होता है, देखो, जैसे मान लो 10 रुपए लिए हैं किसी से कमर्शियल बैंक ने, और इसको कहा है कि हम तेरे को 3% ब्याज देंगे एक साल में, यानी एक साल बाद इस व्यक्ति को कितना रुपया मिलेगा, 10 रुपए 30 पैसे, ठीक है. अब इनके पास आ गए 10 रुपए कमर्शियल बैंक के पास, अब ये अपनी पॉकेट से तो नहीं देंगे, तो ये क्या करेंगे, ये आगे किसी को लोन दे देंगे और उसको कहेंगे कि भाई तेरे से 12% लेंगे एक साल में. इनके पास कितना रुपया हो गया, 11.2, इनके पास 11.2 हो गए ना, तो अब इसको कितना देना है, 10.30. तो अगर हम इसमें से माइनस करें 10.30 तो कितना बचेगा, 90 पैसा. तो 90 पैसा किसका प्रॉफिट है, वो कमर्शियल बैंक का. उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा. इससे 10 रुपए लिए, इसको कहा, हालांकि ये प्रेजेंट में रेट 3.85 के आसपास चल रहा है इंटरेस्ट रेट, इसको कहा कि तेरे को इतना रुपया देंगे, ठीक है, तो इसको मिल गया अपना पैसा, और आगे उसको किसी को लोन देके उससे 12% लेके 90 पैसे प्रॉफिट कमा दिया कमर्शियल बैंक ने. उम्मीद है आपको कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन समझ आई होगी. फंक्शंस ऑफ, यहां पे हमें कमर्शियल बैंक लिखना है, ठीक है, सॉरी वो गलती से लिखा गया था सेंट्रल बैंक, तो आप याद रखना है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक. सेंट्रल बैंक के भी देखेंगे आगे, पर अभी हम कमर्शियल बैंक पढ़ रहे हैं. तो कमर्शियल बैंक के दो फंक्शंस हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी फंक्शंस आर कंपल्सरी और नेसेसरी विच जनरली ऑल द कमर्शियल बैंक परफॉर्म. ये सभी कमर्शियल बैंक करेंगे ये वाला फंक्शन. सेकेंडरी फंक्शंस आर ऑप्शनल, जनरली सम कमर्शियल बैंक परफॉर्म दीज फंक्शन एंड सम नॉट, दे आर नॉट बाउंड टू परफॉर्म दी सेकेंडरी फंक्शन, दे मे बी कंसिडर्ड एज ऑप्शनल, यू मे सेड टू दैम ऑप्शनल, बट द प्राइमरी फंक्शन आर नेसेसरी एंड कंपल्सरी, कमर्शियल बैंक हैव टू परफॉर्म दीज फंक्शन, इट इज नेसेसरी टू दैम. सो द फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन और द कंपल्सरी फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट. डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं जनता से, ये उनका पहला ये है प्राइमरी फंक्शन है. डिपॉजिट्स तीन तरह के हैं, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, ठीक है, जो आपने देखा होगा बिजनेसमैन के अकाउंट्स होते हैं करंट अकाउंट, जिसमें रोजाना ट्रांजेक्शन करनी होती है वो वाला पैसा. टाइम डिपॉजिट्स, जैसे FD करा दी, फिक्स डिपॉजिट, रिक्योरिंग डिपॉजिट करा दिया बैंक के अंदर, वो प्राइमरी फंक्शन. सेविंग डिपॉजिट, जो सेविंग अकाउंट में पैसा है, ठीक है, ये तीनों
एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स के अंदर आएंगे और ये कमर्शियल बैंक प्राइमरी फंक्शन के अंदर इसको करता ही करता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट को। जो दूसरा प्राइमरी फंक्शन है कमर्शियल बैंक का वो है एडवांसिंग ऑफ लोन्स। इसके अंदर पहला है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट जैसे आप कह सकते हैं कि शेयर्स के बदले पैसा ले लिया या बॉन्ड्स के बदले कैश ले लिया बैंक से, लोन ले लिया, दैट इज कैश क्रेडिट। ठीक है, शेयर्स बॉन्ड सिक्योरिटीज उन पे जब हम लोन लेते हैं ना तो दे आर कंसिडर्ड एज कैश क्रेडिट। डिमांड लोन्स, डिमांड लोन क्या होते हैं, जब हम कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं ठीक है, और जब भी कमर्शियल बैंक वापस मांगेगा वो मतलब हमारे अकाउंट से तुरंत कट जाएगा या हमें चुकाना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, दे आर डिमांड लोन्स। जब भी कमर्शियल बैंक कहेगा कि लाओ भाई अब पैसे वापस दो तो वी हैव टू पे दैट विद द इंटरेस्ट अमाउंट अप टू द जितना भी मंथ हमने आपको होल्ड किया है। और शॉर्ट टर्म लोन्स तो आप जानते ही हो, जिसमें कमर्शियल बैंक कोई ना कोई कोलेटरल सिक्योरिटी रखवाएगा आपसे, कोई संपत्ति रखवाएगा तब आपको लोन देगा, दे आर कॉल्ड शॉर्ट टर्म लोन्स। सो दिस इज द प्राइमरी फंक्शन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट आर ऑफ थ्री टाइप, करंट अकाउंट डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट एंड सेविंग डिपॉजिट, आई हैव टोल्ड यू ऑल। एडवांसिंग ऑफ लोन, एडवांसिंग ऑफ लोन ऑल्सो कंसिडर थ्री थिंग्स, कैश क्रेडिट, डिमांड लोन्स एंड शॉर्ट टर्म लोन। कैश क्रेडिट्स आर जनरली इंडिविजुअल गेट कैश क्रेडिट इन बाय गिविंग और बाय कीपिंग शेयर्स बॉन्ड सिक्योरिटीज एज अ कोलेटरल और एज अ इन प्लेस ऑफ शेयर और बॉन्ड सिक्योरिटीज वी कैन कलेक्ट द कैश क्रेडिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। डिमांड लोन्स विच वी हैव टू पे व्हेनेवर द कमर्शियल बैंक सेड टू अस दैट वी हैव टू पे देयर लोन विच वी हैव टेकन, जब जो हमने उनसे लोन लिया है और वो हमें जब वो कहेंगे कि वापस करो देन वी हैव टू रिटर्न दैट विद द इंटरेस्ट अमाउंट। शॉर्ट टर्म लोन्स आई हैव टोल्ड यू दैट द लोन्स विच आर इंडिविजुअल टेक बाय कीपिंग द सम ऑफ द कोलेटरल, ठीक है, कुछ संपत्ति रखेगा और उसको लोन मिलेगा। Now these are the secondary functions. Some commercial bank perform these functions and some not. The first one is overdraft facility. Overdraft facility आप जानते हो, मान लो मैं एक government employee हूं for example, तो और मेरी सैलरी हर महीने आनी है जाहिर सी बात है, पर मेरे को ना इस महीने जरूरत पड़ गया ज्यादा पैसे का, मान लो मेरे को इस महीने 70,000 का जरूरत है for example, ठीक है 70,000 का जरूरत है पर मेरे अकाउंट में सिर्फ पड़ा है 35,000, तो मेरे को तो 35,000 और चाहिए, तो क्या करेंगे, कमर्शियल बैंक ने मेरी एक लिमिट बना रखी होगी कि अगर आपके अकाउंट में इतना पैसा नहीं है फिर भी आप उस लिमिट तक निकाल सकते हो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल बैंक ने मेरी 1,00,000 रुपए तक की लिमिट बना रखी है, तो अब मेरे को तो 35 ही चाहिए तो मैं 35 निकाल लूंगा और जब टाइम आएगा उनको रीपे कर दूंगा या वो मेरे अकाउंट से ऑटो डेबिट कर लेंगे, दिस इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, आप जानते ही हैं क्या है, ये ए व्यक्ति है ठीक है, इसके पास एक बिल है 10,00,000 रुपए का और वो 2 महीने बाद इसको मतलब पूरा हो जाएगा, इसको मिलेगा पैसा, पर इसको अर्जेंट पैसे की जरूरत है, तो ये क्या करता है बैंक के पास जाता है कमर्शियल बैंक के पास, ठीक है, बैंक को कहता है कि भाई तू मेरे से ये बिल ले ले और मेरे को 8,00,000 दे दे और 2,00,000 और इस 2 महीने बाद इस तारीख को ये बिल तेरे को 10,00,000 मिल जाएगा। बैंक को क्या फायदा हुआ यहाँ, 2,00,000 का फायदा हो गया और इसको क्या फायदा हुआ, इसको पैसा चाहिए था इसको आज पैसा मिल गया, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। एजेंसी फंक्शंस, एजेंसी फंक्शंस क्या है, कुछ कमर्शियल बैंक करते हैं कुछ नहीं करते हैं, जैसे मान लो हमें कोई कंसल्टेंसी करनी है, कोई सलाह मशवरा करना है बैंक में जाके या कोई और किसी तरह की सेवा लेनी है, तो अब मान लो जो बिजीएस्ट बैंक है जहां पे बहुत ज्यादा बर्डन है काम का, वहां पे तो जाके वो कहेंगे भाई टाइम नहीं है अभी, अभी बाद में आना कंसल्ट करना है कुछ पूछना है, पर कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो एजेंसी कंसल्टेंसी करेंगे कि आइए बैठिए हाँ बताइए आपको क्या कंसल्टेंसी, जैसे टैक्स कंसल्टेंसी अगर हमें करनी हो तो दैट इज कॉल्ड एजेंसी फंक्शन, सम कमर्शियल बैंक परफॉर्म्स एंड सम नॉट। जनरल यूटिलिटी फंक्शन, जनरल यूटिलिटी फंक्शन के अंदर जनरली क्या आ जाएगा, लोकर फैसिलिटी, कुछ बैंक्स में मिलती है कुछ में नहीं मिलती है, और आपका ट्रेवलर चेक या फिर लेटर ऑफ रेफरेंस, दीज आर कॉल्ड जनरल यूटिलिटी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक।
So we have read primary and secondary functions. In primary there are two type of functions which commercial bank performs: accepting deposit and advancing of loan. Further there are three things in the each point, so you may understand. And the secondary function is, these are optional functions, not commercial banks are not bound to perform them, and I have told you all the four functions. Okay students, so students our next heading is मनी क्रिएशन. तो मनी क्रिएशन वो प्रोसेस होता है जिसके जरिए कमर्शियल बैंक एबल हो जाते हैं लोन देने के जनता को. थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट विच इज फार एक्सेस ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट्स. अब ये जो लाइन है फार एक्सेस ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट्स, ये आप यहां समझिएगा. प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या होते हैं? बेसिकली जो बैंक में पैसा आया, चाहे सेविंग अकाउंट में सेविंग डिपॉजिट्स, करंट अकाउंट के डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स, ये सब क्या होंगे? प्राइमरी डिपॉजिट्स होंगे हमारे. ठीक है, सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्या होते हैं? दोज डिपॉजिट्स विच अराइज ड्यू टू लोन गिवन बाय द बैंक्स टू पीपल. वो डिपॉजिट जैसे बैंक ने किसी को लोन दे रखा है और उस व्यक्ति ने अपना मान लो किस्त भरी है, तो वो उसके लोन अकाउंट में ही तो जमा होगा. तो दोज डिपॉजिट्स आर सेकेंडरी डिपॉजिट, अदर नेम आर डेरिवेटिव डिपॉजिट्स. तो जब आप प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट को प्लस करते हो तो क्या आ जाता है? डिमांड डिपॉजिट. ये डिमांड है, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स. डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? वो पैसा जो हम बैंक से जाके किसी भी टाइम विड्रॉ कर सके उसको हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं. द अदर नेम ऑफ डिमांड डिपॉजिट इज चेकेबल डिपॉजिट. विड्रॉल भरा, बैंक में गए विड्रॉल भरा या चेक दिया और पैसा ले लिया, दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स. तो प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट को जब आप जोड़ दोगे क्या आएगा? डिमांड डिपॉजिट आएगा. और जो मनी क्रिएशन बैंक लोन देता है, मतलब जो सेकेंडरी डिपॉजिट्स में पैसा आता है, वो किससे ज्यादा होता है? प्राइमरी डिपॉजिट से. ये भी आप याद रखना, इस प्रोसेस को मनी क्रिएशन कहा जाता है. ठीक है, सो स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द रेशियोज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर बोर्ड एग्जाम. सो स्टूडेंट्स नाउ वी विल सी सम ऑफ द रेशियोज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर बोर्ड एग्जाम. अब देखो एक चीज समझ लो, अभी मान लो बैंक के अंदर 100 रुपए आए डिपॉजिट के रूप में, सारा तो बैंक लोन के रूप में नहीं दे सकता, क्योंकि कुछ लोग बैंक में निकलवाने भी तो जाते हैं पैसे, उन्हें भी तो देना है. अगर सारा लोन में दे दिया तो फिर उनको क्या देंगे? तो इसीलिए कुछ रेशोज हैं जो हमें पढ़ने हैं, जो इसमें से इनिशियल डिपॉजिट में से काटे जाते हैं. तो द फर्स्ट वन इज लीगल रिजर्व रेशो. लीगल, और याद रखना ये जितने भी रेशो हम पढ़ेंगे ये सब रेशो या सब रेट सेंट्रल बैंक डिटरमाइन करता है कंट्री का. सो द फर्स्ट वन इज लीगल रिजर्व रेशो. द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स विच कमर्शियल बैंक टू कैप विद देमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट. लिक्विड एसेट मीन्स कैश. इसमें से कुछ पैसा कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना है कैश के रूप में, मान लो 20 रुपए रखने हैं, और ये रेट कौन तय करेगा कितना रखना है? सेंट्रल बैंक. तो 20 रुपए तय, उसने कहा कि भाई 20 रुपए अपने पास रख. क्यों? क्योंकि लोग निकलवाने भी तो आएंगे ना बैंक में, और ऐसा भी नहीं होगा कि एक ही दिन सभी लोग आ जाएंगे निकलवाने. तो इसलिए ये रेशो रखा जाता है कि भाई जो लोग निकलवाने आ रहे हैं उनको भी दिया जा सके. तो इसको हम क्या बोलते हैं? लीगल रिजर्व रेशो, जो कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होता है कैश की फॉर्म में या लिक्विड एसेट की फॉर्म में, ताकि जो लोग पैसा निकलवाने आ रहे हैं उनको दिया जा सके. सिचुएटरी लिक्विडिटी रेशो. अब ये क्या होता है, मान लो कुछ लोग बैंक के अंदर एफडी कराते हैं, आरडी कराते हैं, अगर उनकी एफडी और आरडी पूरी हो गई, मान लो मैंने एफडी कराई थी और मेरी एफडी पूरी होगी तो मैं आज लेने जाऊंगा, तो बैंक मेरे को ये थोड़ी कहेगा कि भाई मैंने तो एफडी के लिए पैसा ही नहीं रखा, वो तो लोन में दे दिया, फिर कभी आना, ऐसे थोड़ी जाएगा बैंक. तो इसीलिए इसमें से कुछ पैसा अपने पास कमर्शियल बैंक्स को सिक्योरिटी के रूप में भी रखना है. मान लो वो कितना है? 10 रुपए है. अब ये कितना बचा? 70 बचा. 20 तो यहां चला गया एलआरआर में और 10 किस में चला गया? एसएलआर में, कि भाई जिसकी सिक्योरिटी या टर्म डिपॉजिट पूरे हो जाए उसको पैसा दे दियो. तो ये 10 रुपए इस नाम के रखे जाते हैं. तो इट रेफर्स टू द नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज
which commercial bank have to keep with themselves in the form of securities, जिनका FDRD पूरा हो रहा है उन्हें भी तो पैसा देना है ना, खाली नहीं बेच सकते, तो इसमें से वो भी कटेगा। अब अगला रेशो है कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक्स को इसी में से, अभी 70 बचा ना, मान लो इसमें से 10 रुपए किसके पास रखने हैं, आरबीआई के, हमारे देश का सेंट्रल बैंक आरबीआई है ना, तो उसके पास, तो इस पैसे का कुछ हिस्सा कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास भी रखना है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशो। इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज विच कमर्शियल बैंक हैव टू कीप विद सेंट्रल बैंक। तो इसका कुछ हिस्सा, ये जो 70 बचा किसके पास रखना है, आरबीआई के। मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखना, मान लो 100 रुपए आए थे, 20 रुपए तो LRR के रूप में मैंने रखवा दिया, 10 रुपए SLR के रूप में रखवा लिया, और 5 रुपए मान लो CRR के रूप में रखवा लिया, तो कितना पैसा इसमें से चला गया, 20, 10, 30 और 5, 35 हो गया ना, तो बचा कितना, 65 रुपए बचे। अब बैंक जो है वो इन 65 रुपयों को लोन देगा, आया समझ में, सारा नहीं, जितना पैसा आया सारा लोन के रूप में नहीं दे सकते, क्योंकि ये रेशोस काटने पड़ते हैं, उसके बाद जो बचेगा वो हम बैंक लोन के रूप में दे सकता है। लीगल रिजर्व रेशो, होप यू अंडरस्टूड, विच कमर्शियल बैंक हैव टू मेंटेन विद देमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट, बिकॉज कुछ लोग निकलवाने भी जाते हैं पैसा, उनको पेमेंट करना है। SLR, विच कमर्शियल बैंक हैव टू कैप विद देमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज, क्योंकि जिनका टर्म डिपॉजिट पूरा हो रहा होगा उन्हें भी तो पैसा देना है, तो इनिशियल डिपॉजिट में से कुछ पैसा उसमें रख लिया। कैश रिजर्व रेशो, विच कमर्शियल बैंक हैव टू मेंटेन, किसके पास रखना है ये पैसा, सेंट्रल बैंक के पास, ठीक है, तो जो बचा फिर वो लोन में दे देगा। और याद रखना ये जितने भी रेशो हैं तीन, ये सेंट्रल बैंक ही तय करेगा देश का। सेंट्रल बैंक क्या होता है, कैसे काम करता है, वो अभी हम पढ़ेंगे, पर अभी इतना याद रखना सेंट्रल बैंक ही इस काम, इन तीन रेशो को डिटरमाइन करता है, और जो मैं और रेट अब लिखूंगा यहाँ पे वो भी सेंट्रल बैंक ही डिटरमाइन करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट रेट विच वी हैव टू स्टडी आर दीस, द फर्स्ट वन इज बैंक रेट। तो बैंक रेट क्या होता है, वो रेट जिस पर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेंगे लंबे टाइम के लिए। रेफर्स टू द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरोज, कमर्शियल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड बैंक रेट। रेपो रेट भी सेम है, बस इसमें छोटे टाइम के लिए लोन लिया जाता है। रेफर्स टू द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यहां भी कमर्शियल बैंक ही लोन लेंगे पर यहां शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेंगे। रिवर्स रेपो रेट, ये वो रेट है जिस पे सेंट्रल बैंक लोन लेता है कमर्शियल बैंक से, ठीक है, और ये तीनों रेट भी सेंट्रल बैंक ही डिटरमाइन करेगा। रेफर्स टू द रेट एट विच सेंट्रल बैंक बोरो मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक, तो पहला वाला जिसमें कमर्शियल बैंक लोन लेते हैं सेंट्रल बैंक से लंबे टाइम के लिए, दूसरे वाले में रेपो रेट में जिसमें कमर्शियल बैंक लोन लेते हैं सेंट्रल बैंक से छोटे टाइम के लिए, और रिवर्स रेपो रेट में जिसमें सेंट्रल बैंक लोन लेता है कमर्शियल बैंक से। उम्मीद है आपको ये तीनों भी समझ में आएंगे, बैंक रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये रेट भी सेंट्रल बैंक ही तय करता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, जैसे मान लो हम 10 लाख रुपए का लोन लेने गए और बैंक ने हमसे 15 लाख की संपत्ति रखवाई, तो जो 5 लाख रुपए की संपत्ति उसने हमसे फालतू रखवाई वो क्या होगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट। रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ लोन एंड वैल्यू ऑफ एसेट। तो अगर 10 लाख रुपए का लोन है
मैं 10 लाख का लोन लेने गया और बैंक ने कहा कि भाई 20 लाख की संपत्ति रखनी है, तो कितने फालतू की रखवा रहा है, 10 लाख की, तो वो जो 10 लाख की उसने मेरे से प्रॉपर्टी फालतू रखवाई, दैट इज कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये रेट भी सेंट्रल बैंक तय करता है, ये याद रखना, ठीक है। मोरल सिचुएशन में क्या होता है, जनरली सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को प्रेशराइज्ड करता है या परस्यूड करता है कि भाई पॉलिसी के हिसाब से काम कर, अगर मान लो या जैसे कुछ प्राइवेट बैंक मान लो अगर पॉलिसी को नहीं से फॉलो कर रहे हैं सही से, तो सेंट्रल बैंक विल यूज मोरल सिचुएशन, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ परस्यूएशन एंड द प्रेशर। ये देखो दो शब्द, ये याद रखना, परस्यूड करेगा या तो या प्रेशराइज करेगा, दैट सेंट्रल बैंक अप्लाइज ऑन द बैंक्स इन ऑर्डर टू गेट देम एक्ट इन अ मैनर इन लाइन विद इट्स पॉलिसी, कि वो सब बैंक उसकी पॉलिसी के हिसाब से काम करें। वो किस किसके अंदर करता है, वो मॉरल सिचुएशन के अंदर। अब हम पढ़ेंगे मनी मल्टीप्लायर और उसके बाद के जो टॉपिक्स होंगे सेंट्रल बैंक या फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक या हमारा मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल किया जाता है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पर इस वीडियो में हम मनी मल्टीप्लायर को कवर करते हैं, लास्ट टॉपिक जो हमारा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो द लास्ट हेडिंग फॉर द वीडियो पार्ट वन, पार्ट टू विल बी कंटिन्यू फ्रॉम द टॉपिक सेंट्रल बैंक एज आई हैव टॉल्ड यू। द लास्ट हेडिंग इज डिपॉजिट मल्टीप्लायर, द अदर नेम ऑफ डिपॉजिट इज क्रेडिट मल्टीप्लायर और द थर्ड नेम इज मनी मल्टीप्लायर। So you can say money multiplier is also called by two other names, that is deposit multiplier and credit multiplier. तो क्या होता है ये, इसके अंदर हमें ये पता चलता है कि अगर बैंक के डिपॉजिट में थोड़ा सा भी चेंज आ रहा है तो बैंक के टोटल डिपॉजिट में कितना चेंज लाया जा सकता है, इज द नंबर बाय विच टोटल डिपॉजिट कैन इंक्रीज, मतलब बढ़ा दिया जा सकता है ड्यू टू अ गिवन चेंज इन डिपॉजिट। याद रखना मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशो LRR। ये मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है लीगल रिजर्व रेशो, विच कमर्शियल बैंक हैव टू कैप विद देमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट। जितना ज्यादा LRR होगा उतना ही कम मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू आएगी, इनवर्स रिलेटेड टू LRR। फॉर एग्जाम्पल करके दिखाऊं, मान लो LRR 0.5 है तो मनी मल्टीप्लायर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब मान लो अगर LRR 0 नीचे क्या हो, 0.10 हो या 0.1 हो, ठीक है, कम कर देते हैं इसको तो ऊपर, तो अब क्या आया मनी मल्टीप्लायर 1। तो देखो इनवर्स है ना, अगर LRR घटता है तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ता है, बढ़ा, और अगर LRR बढ़ेगा, अब जैसे अगर हम इसको 0.6 कर दें तो ऊपर 0 रख दिया है, यहाँ पे 1. LRR हमारा कितना है 0.6 है ना, तो पॉइंट हटा ऊपर 0 लगा तो अब ये कितना है 1.6 मान लेते हैं 6.7। तो देखो जैसे ही LRR ज्यादा हुआ मनी मल्टीप्लायर कम हो गया, तो इनवर्स रिलेशनशिप है, अगर LRR ज्यादा है मनी मल्टीप्लायर कम आएगा और मनी मल्टीप्लायर ज्यादा है तो हमारा LRR कम आएगा। टोटल डिपॉजिट क्या होता है, टोटल डिपॉजिट होता है मनी मल्टीप्लायर जो आपका निकल के आया, ये मल्टीप्लाई कर दो इनिशियल डिपॉजिट से, तो आपको टोटल डिपॉजिट पता चल जाएंगे। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड, आइए करते हैं क्वेश्चन। मान लो इनिशियल डिपॉजिट मेरा 1000 है या 10,000 है, LRR मेरा कितना है 0.5 फॉर एग्जाम्पल, तो टोटल डिपॉजिट निकालना है तो सबसे पहले तो मनी मल्टीप्लायर निकालो। मनी मल्टीप्लायर कैसे निकालोगे, 1 अपॉन LRR 0.5 था तो 0 अटी, मनी मल्टीप्लायर मेरा कितना आ गया 2, तो मनी मल्टीप्लायर कितना आया मेरा 2 और इनिशियल डिपॉजिट मुझे यहाँ कितना दे रखा है 10,000, तो टोटल डिपॉजिट मेरा कितना आएगा 20,000। देखिए टोटल डिपॉजिट जब भी निकालना हो मनी मल्टीप्लायर इंटू इनिशियल डिपॉजिट, और मनी मल्टीप्लायर कैसे निकालते, 1 अपॉन LRR, बस मैंने वो किया है 1 अपॉन LRR, पॉइंट हटेगा यहाँ 0 आ जाएगी और 2 से, ठीक है स्टूडेंट।
उम्मीद है गाइस आपको जितना अब तक हमने इस वीडियो में पढ़ा वो समझ में आया होगा। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको ना समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, हम उसको जो इसका पार्ट टू आएगा उसमें मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। पार्ट टू में हम सेंट्रल बैंक से कंटिन्यू रखते हैं चीजों को, इसमें हमने कमर्शियल बैंक से चीजों को पढ़ा है और जो डिफरेंट तरह के रेट्स होते हैं डिपोजिट होते हैं वो डिफरेंट। ठीक है स्टूडेंट, सब्सक्राइब टू मेहनत कीजिए, लाइक बना के पढ़िए और अच्छे